वेलकम बैक, माय नेम इज मंगेश सिंह। हम फिर से आ चुके हैं अपने चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। गाइज, आपने हमारी दो वीडियोस तो देखी होंगी, उसमें मैंने आपको कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन समझाया। गाइज, जितना मुझसे हो सके मैंने अपना पूरा 100% दिया। एंड डेफिनेटली अब जितनी भी एरर्स मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन से आएगी, तो आप आसानी से उन्हें हल कर लोगे। गाइज, आज हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। गाइज, कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कलेक्टिव शब्द आया कहां से और कलेक्टिव है क्या। देखिए गाइज, कलेक्ट से बना कलेक्टिव और कलेक्टिव से ही बनता है कलेक्शन। ध्यान रखना गाइज, ये होती है हमारी वर्ब और ये होती है हमारा एडजेक्टिव और ये होता है हमारा नाउन। लेकिन आज हमारा टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। सो गाइज, आज हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन। देखिए गाइज, कलेक्टिव नाउन, जो नाउन समूह के रूप में प्रयोग होती है वो कलेक्टिव होती है। देखिए, प्रॉपर कॉमन वो होती है जो दोनों में सेम होती है, मटेरियल वो होता है जो पदार्थ होता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन कैसी होती है? तो कलेक्टिव नाउन वो होती है जो समूह के रूप में प्रयोग होती है। लिखिए, जो नाउन समूह के रूप में प्रयोग की जाती है उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए गाइस, फैमिली में दो मेंबर हो या चार हो चाहे हजार हो, उसे हम एक नाम देते हैं फैमिली। उसी प्रकार से टीम, गाइस टीम में पांच खिलाड़ी हो या दस हो, लेकिन वो एक समूह के रूप में प्रयोग होती है, तो इसलिए टीम भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आर्मी भी क्या है गाइस? कलेक्टिव नाउन है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्राउड भी हमारे कलेक्टिव नाउन। तो देखिए गाइस, कौन कौन सी होते हैं कलेक्टिव नाउन, जैसे कि आर्मी, टीम, फैमिली, कमेटी, ज्यूरी। गाइस, ज्यूरी का मतलब होता है न्याय दल के लोग। ज्यूरी, क्रू, उसी प्रकार से क्राउड। देखिए गाइस, क्राउड वो क्राउड है, मान लीजिए कोई घटना हो जाए और उसके आसपास खड़े होकर जो देखते हैं उन्हें क्राउड बोलते हैं। अब इसी से ही एक नाउन है मोब। गाइस, मोब भी भीड़ होती है, लेकिन गाइस ये मोब वो वाली भीड़ होती है जो रोड पर दंगा फसाद करती है। अब उसी से बनता है स्पेक्टेटर्स। गाइस, स्पेक्टेटर्स का मतलब भी भीड़ ही होती है, लेकिन गाइस ये वो वाली भीड़ होती है जो मैच देखती है, दर्शक होते हैं जो कोई इवेंट देख रहे हैं, बड़े आराम के साथ उन्हें स्पेक्टेटर्स में रखते हैं, और जो लड़ाई करते हैं उन्हें हम मोब में रखते हैं गाइस, और जो लड़ाई को देखते हैं वो होते हैं हमारे क्राउड। सो गाइस, ये हमारी कलेक्टिव नाउन है। गाइस, और भी हमारी कलेक्टिव नाउन है, प्लीज आप इन्हें पहले लिख लीजिए, इनका या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए गाइस, और कौन कौन सी समूह में आती है, जैसे कि देखिए, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। गाइस, डायरेक्टर के समूह को ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखते हैं। डायरेक्टर्स वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे आपने देखा होगा गाइस, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसी प्रकार से ए बैंड। गाइस, ध्यान रखना, बैंड हमेशा म्यूजिशियंस का बनता है, यानी गवैये के जो गायकार होते हैं उनके समूह को हम ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस में रखते हैं। गाइस, उसी प्रकार से ए हीप ऑफ सैंड या स्टोन्स। मान लीजिए रेत का ढेर है, पत्थरों का ढेर है, उसे हम ए हीप ऑफ सैंड या स्टोन्स में रखेंगे। गाइस, उसी प्रकार से देखिए, ए गैंग ऑफ
एक गैंग ऑफ गाइस, गैंग बनता या तो रोबर्स का या बनता है लेबरर्स का, या तो बनता है रोबर्स का या बनता है लेबरर्स का। आपने देखा होगा, मान लीजिए मालिक पैसे नहीं दे रहा तो लेबर्स का गैंग आकर हड़ताल करता है। उसी प्रकार से देखिए गाइस, ए हर्ड ऑफ शिप या कैटल। गाइस, जानवर या भेड़ों के समूह को हम ए हर्ड ऑफ शिप में रखते हैं। उसी प्रकार से गाइस देखिए, ए फ्लीट ऑफ शिप्स। गाइस, जहाजों के समूह को, जितने भी जहाज खड़े होते हैं उन जहाजों के समूह को ए फ्लीट ऑफ शिप्स में रखते हैं। गाइस, उसी प्रकार से देखिए, a convoy of bus, trains, turks moving on the road together। गाइस, आपको एक इवेंट याद होगी, जब पुलवामा हमला हुआ था उस वक्त कोनवे पे ये कोनवे शब्द बहुत ज्यादा चर्चा में था। जानते हो क्यों? क्योंकि जो टर्क जो भी टर्क जा रहे थे, वो रोड पे एक साथ जा रहे थे, तभी उन पे हमला हुआ। ध्यान रखना, ये बस और ट्रक्स या कोई भी समूह जा रहा हो एक लाइन में, तो उसे हम एक कोनवे ऑफ में रखते हैं, एक कोनवे ऑफ में रखते हैं। गाइस, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बहुत ज्यादा है हमारी मेटेरियल ना, तो मैं लिखवाऊंगा आपको। देखिए गाइस, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के समूह को एक क्लास ऑफ में रखेंगे। ए टीम ऑफ, गाइस ध्यान रखना, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, गाइस प्लेयर के समूह को ए टीम ऑफ में रखेंगे। उसी प्रकार से ध्यान रखना, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स। गाइस, एक बार ध्यान रख लेना, जितने भी इवेंट होते हैं उनके समूह को हम ए सीरीज ऑफ में रखते हैं, और जितने भी जब प्लेयर्स होते हैं उनके समूह को हम टीम में रखते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, आप इवेंट सीरीज देखते हो, मिर्जापुर, ये भी क्या एक सीरीज चल रही है, जो आप एक सीरीज आने वाली, एक सीरीज खत्म हो गई, तो ये इवेंट होती है, घटना होती है। ओके गाइस, अब देखिए, ए करिकुलम ऑफ स्टडीज। गाइस, पढ़ाई के समूह को हम करिकुलम में रखते हैं। ए कोर्स ऑफ लेक्चर्स, लेक्चर्स के समूह को हम एक कोर्स ऑफ में रखते हैं। तो गाइस, ये कलेक्टिव नाउन है जो ऐसे प्रयोग में होती है। गाइस, अनेक एग्जाम में पूछ लेते हैं, बताइए व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ए लेक्चर्स, लेक्चर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, तो एक कोर्स ऑफ लेक्चर्स होता है। गाइस, अब आगे हम बताएंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में कुछ फैक्ट्स। प्लीज आप पहले स्क्रीन शॉट ले लीजिए। देखिए गाइस, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट कलेक्टिव नाउन। नंबर वन, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर में तब करते हैं जब इसमें सभी की राय या ओपिनियन एक हो। देखिए गाइस, ध्यान रखना, अगर कलेक्टिव नाउन से सभी की राय, सभी की ओपिनियन एक आ रही हो, तो वो सिंगुलर में होता है। जैसे कि गाइस देखिए, द कमेटी मीट एवरीडे
The committee meet every day. The committee meets every day. Meets every day. देखिए गाइस, मैंने आपको दो सेंटेंस पढ़ाए. द कमेटी मीट्स एवरी डे. द कमेटी मीट एवरी डे एंड द कमेटी मीट्स एवरी डे. कि कोई भी समिति है वो हमेशा, जब समिति तब स्टार्ट होती है जब सारे सदस्य प्रेजेंट होते हैं. तो कमेटी मीट्स एवरी डे, तो इससे किसका भाव आ रहा है? इससे सिमिलर का भाव आ रहा है. तो ये सेंटेंस गलत होगा, ये सही होगा. गाइस दूसरा देखिए, द ऑडियंस हैज टेकन देयर सीट्स. The audience have taken their seats. देखिए guys, the audience has taken their seats. The audience have taken their seats. अच्छा guys, एक बात बताओ, मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा है, क्या वहां सारी जो ऑडियंस होती है उन सभी को सीट मिल जाती है? देखिए गाइस, जो भी कोई इवेंट हो रहा है वहां पे जब ऑडियंस जाती है तो उसमें कुछ को सीट मिलती है और कुछ लोग खड़े होकर देखते हैं. तो यहाँ पे ओपिनियन, राय बिल्कुल बिखर गई. यानी कि कुछ को सीट मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही. तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सभी की ओपिनियन यानी सभी को सीट नहीं मिल पाई. तो एक मत तो नहीं आ रहा इससे. अगर एक मत आता तो ये सिंगुलर में होता. इसलिए गाइस, इस सेंटेंस में हमारा कलेक्टिव नाउन बहुवचन में होगा. अक्सर आपने देखा होगा, मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा हो, वहां पे सीट सभी को नहीं मिलती, कुछ लोगों को सीट मिल जाती है, कुछ लोग खड़े होकर देखते हैं. तो गाइस, ये सेंटेंस हमारा गलत होगा और ये सही होगा, क्योंकि द ऑडियंस हैज आ रहा है. इस कलेक्टिव नाउन से बहु आ रहा है बहुवचन का, इसलिए गाइस यहाँ पे हैव होगा. गाइस आगे हम और बताएंगे आपको इसके बारे में फैक्ट. प्लीज स्क्रीन शॉट लीजिए. देखिए गाइस, सेंटेंस, द टीम वर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री विद द कैप्टन. The team was celebrating the victory with the captain. देखिए गाइस, आपके सामने दो सेंटेंस है. द टीम सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री. टीम जो है अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही है. यहां पे वर आ रहा है और यहां पे वाज है. बताइए गाइस, कौन सा सेंटेंस सही होगा? देखिए गाइस, अभी फिलहाल में इंडिया ने मैच जीता, सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में. अब एक बात बताओ, उसमें कुछ खिलाड़ी तो बैठे हुए हैं सीट पे और कुछ खिलाड़ी मौज मस्ती कर रहे हैं, सेलिब्रेटिंग कर रहे हैं. क्या कभी ऐसा देखा है? देखिए, कोई भी विक्ट्री हो या जीत हो या कोई भी अच्छाई या भाव हो रही हो, तो वहां पे कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में आ रहा है, आएगा. गाइस एक बात ध्यान रखना, अगर कलेक्टिव नाउन से पॉजिटिव भाव आ रहा है तो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में आएगा, हमेशा सिंगुलर में होगा. अगर कलेक्टिव नाउन से नेगेटिव भाव आ रहा है तो वहां पे गाइस हमेशा हमारा कलेक्टिव नाउन बहुवचन में होगा. अब एक बात बताइए, टीम मैच जीत रही है तो सभी तो सेलिब्रेट करेंगे, सभी तो मैदान में एक साथ मौज मस्ती करेंगे. तो गाइस, इसमें सभी की राय एक है, तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही होगा और ये सेंटेंस हमारा गलत होगा.
गाइस दूसरा सेंटेंस देखिए, द टीम वांट टू चेंज द कैप्टन. नेक्स्ट देखिए, द टीम वांट्स टू चेंज द कैप्टन. गाइस देखिए इसमें कौन सा सेंटेंस है ये. गाइस टीम कप्तान को बदलना चाहती है. अब एक बात बताओ, एक्चुअली 11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, और कुछ खिलाड़ी उस कप्तान से खुश हैं, कुछ खिलाड़ी उस कप्तान से खुश नहीं है, उसके एटीट्यूड से खुश नहीं है, उसके गुस्से से खुश नहीं है. तो यहाँ पे राय क्या हो गई गाइस, बिखर गई. क्या आपने कभी देखा है कि पूरी टीम की टीम चाहती है, पूरी टीम के खिलाड़ी चाहते हैं कि कप्तान बदलना चाहिए? नहीं गाइस, उसमें कुछ दो एक खिलाड़ी ऐसे होंगे जो कप्तान को चाहते हैं कि ये कप्तान रहे. आप चलो मैं एग्जांपल दूसरा लेता हूँ गाइस, क्लास में देखिए. अगर क्लास में जब टीचर आते हैं तो कहते हैं कि इस मॉनिटर को चेंज करें या नहीं करें, गाइस उस पूरी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि नहीं सर इसी यही मॉनिटर रहेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कहते हैं कि नहीं सर बदल दीजिए. तो इस कंडीशन में ये राय बिखर गई. यानी यहाँ पे सबकी ओपिनियन एक नहीं है, सभी का एक मत नहीं है. तो इस कंडीशन में गाइस हमारा कलेक्टिव नाउन कैसा होगा? बहुवचन में होगा. तो गाइस ये सेंटेंस हमारा सही और ये हमारा गलत. जानते हो क्यों? कि यहाँ पे वांट्स लग रहा है और यहाँ पे वांट लग रहा है. तो ये नाउन हमारी कैसी हो गई? अब बहुवचन में हो गई. गाइस गाइस इससे बहुत ज्यादा एरर आते हैं कलेक्टिव नाउन से. गाइस आगे और हम आपको फैक्ट बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. गाइस देखिए, अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है, तो कलेक्टिव नाउन के लिए पजेसिव केस इट्स प्रयोग होगा, नंबर टू, अगर कलेक्टिव नाउन प्लुरल में प्रयोग हो रहा है, तो कलेक्टिव नाउन का पजेसिव केस देयर प्रयोग होगा, गाइस ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए गाइस इससे बहुत ज्यादा एरर आ रही है. अगर कलेक्टिव नाउन हमारा सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव केस यानी अपने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट्स का. अगर कलेक्टिव नाउन हमारा बहुवचन में प्रयोग हो रहा है तो गाइस उसके लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, द टीम वाज सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री विद इट्स कैप्टन. गाइस ध्यान दीजिए, टीम विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही थी. अभी वो इंडिया ने मैच जीता तो इंडिया जो इंडियंस कैप्टन अंजिके रहाणे एंड आल्सो मेनी प्लेयर्स वर सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री. तो यहाँ पे जो टीम है वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रही है किसके साथ? अपने कोच के साथ, अपने कैप्टन के साथ. तो गाइस पहले तो ये देखिए कि इस सेंटेंस से भाव कैसा आ रहा है. देखिए पॉजिटिव का भाव है तो कलेक्टिव नाउन किस में प्रयोग हो रही है गाइस? सिंगुलर में हो रही है. तो सिंगुलर में हो रही है तो गाइस इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा यहाँ पे? इट्स वो आ रहा है. तो इसलिए गाइस ये सेंटेंस हमारा सही है. गाइस आगे और मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले.
देखिए गाइस, अगला सेंटेंस देखिए। The family was present in their village. गाइस बताइए सेंटेंस इसमें कौन सा गलत कौन सा सही। परिवार अपने गांव में उपस्थित था। तो गाइस ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई भी इवेंट होता है, दिवाली हो, दशहरा हो या खुशहाल समय हो, तो उस कंडीशन में हमारी पूरी फैमिली एक साथ होती है। यानी कि इससे क्या आ रहा है, क्या फील हो रहा है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है। तो गाइस बताइए ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा। तो गाइस ये वाला तो हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन से सिंगुलर का भाव प्रकट हो रहा है, और ये वाला हमारा सही होगा। गाइस दूसरा देखिए, The team was not happy. The team was not happy with their captain's attitude. गाइस दूसरा देखिए, द टीम वाज नॉट हैप्पी विद इट्स कैप्टन एटीट्यूड। गाइस आपके सामने सेंटेंस है, टीम अपने कप्तान के एटीट्यूड से खुश नहीं थी, उसके हाव भाव से, उसके फैसलों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब देख ध्यान दीजिएगा, यहां इस कंडीशन में हमारा सेंटेंस नेगेटिव भाव में आ रहा है। तो गाइस जहां नेगेटिव भाव में आता है, तो वहां कलेक्टिव नाउन हमेशा किस में होती है, हमारी बहुवचन में होती है। तो गाइस ये सेंटेंस हमारा सही होगा, बिकॉज यहाँ पे देर है, तो कलेक्टिव नाउन से हमारा भाव प्रकट हो रहा है। दो एरर्स है इसमें, एक तो एरर्स वर्ब भी आएगा, लेकिन यहाँ पे देर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन से भाव किसका प्रकट हो रहा है, बहुवचन का। लेकिन गाइस इसमें देखिए, इसमें क्या एरर है, इसमें एरर है हमारा इट। ये सेंटेंस हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन से हमारा भाव किसका हो रहा है, बहुवचन से हो रहा है। सो गाइस ये फैक्ट थे कलेक्टिव नाउन के बारे में। सो गाइस प्लीज टेल मी कैसा लगा हमारा वीडियो। देखिए गाइस हम बड़ी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज आपको बता रहे हैं। ऐसी वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी जो कलेक्टिव नाउन के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताए। गाइस दिस क्लास विल बी वेरी एंड वेरी यूजफुल फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर योर व्हाट यू वांट टू बी इन योर लाइफ एवरीथिंग। इफ यू वांट टू अचीव एवरीथिंग, जस्ट नीड टू फोकस एंड जस्ट नीड टू रेगुलेट, डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू वांट टू इन योर लाइफ। देखिए गाइस अगर कोई भी काम दिल से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। देखिए अभी हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे हमने बहुत नॉलेज को गेन किया, और ये हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कि जिससे कि आपके सारे एग्जाम जो भी आपके डाउट है वो खत्म हो सके। गाइस जो भी आपको इसके बारे में डाउट हो तो प्लीज राइट इन कमेंट, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट एनी सेंटेंस, सो प्लीज राइट इन कमेंट एंड आई विल गिव यू द आंसर। सो गाइस प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से हम आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।